इस एक चीज मैंने नोट करी है, जितनी भी यहाँ पर को दुकानें बनी थी, जो स्टॉल्स बने हुए थे, वो सभी खत्म। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, पता? हट जाओ, गाड़ी में बैठने दो। तो इससे तो डर लग रहा भाई। वेलकम टू माई YouTube चैनल। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है होटल की पार्किंग से, एंड अभी हम मस्ती करने के लिए जा रहे हैं। हमारी तीन गाड़ियाँ जाने वाली हैं, एक ही अपनी लवली खड़ी है, ये जावेद भाई की, उधर नाजिम भाई की गाड़ी खड़ी है। तो तीनों गाड़ियाँ जाने वाली हैं अपनी। एक छोटा काम है, पहले उसे करेंगे, उसके बाद में फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे ब्लॉग में। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से, और जावेद भाई को बुला लेते हैं, वो भी सामने के साथ में। तो फिलहाल जावेद भाई और मैं एंड मेरे कुछ स्टाफ के एक दो लड़के भी जाने वाले हैं जो काम के लिए। चलो फाइनली चलते हैं इधर से, जावेद भाई को बुलाते हैं। फाइनली सभी लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, इधर जावेद भाई एंड हमारे मैनेजर साहब, और उधर फिरोज भाई, सभी लोग जा रहे हैं। वो तीनों गाड़ियाँ जाएंगी हमारी। शाहरुख, गाड़ी की चाबी ले आओ। चलो सभी लोग हमें फॉलो करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल हम सब लोग निकल गए, तीनों गाड़ियाँ, एक गाड़ी नाजिम भाई के आगे और पीछे जावेद भाई की गाड़ी है। तो हम लोग बीच में चल रहे हैं अभी। तो यहाँ से लगभग हमें एक आध किलोमीटर के आसपास ही जाना है, फिर वापस अभी होटल पे आना है। तो यहाँ ये छोटा सा काम है, तो मुझे लगता है 20-25 मिनट लगेंगे, उसके बाद में फिर हम फ्री हो जाएंगे वहाँ से। चलो नाजिम भाई हंस रहे हैं, जब हमारे पास चीज़ें हैं तो फिर इस्तेमाल करो, क्या नहीं। सनग्लास लगा लिया। अच्छा बनने के बाद आप बुरा बनो तो आपको पता लगता है, अच्छा होने के बाद आपको कितनी बुराइयाँ मिलती हैं, जब बुरे हो जाएंगे तो आपको कोई बुराई नहीं मिलती। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अच्छे होने के बाद ही सारी बुराइयाँ सर आती हैं। सो ये भी थोड़ा सा मैटर करता है लाइफ। और व्यू गाइस, भीमताल लेक का, भीमताल टाउन का कह सकते हैं, यहाँ से लेक के साथ टाउन पूरा दिखाई देता है यहाँ से। फाइनली वी हैव रीच द लोकेशन गाइज, बस मेरे सामने गेट है, तो अभी एंटर करेंगे। नीचे वाला गेट, नीचे वाला बहुत सामने, हाँ ये वाला किसी और ऊपर वाले का, तो मैं खोल देता हूँ गेट। आ जाओ आ जाओ। ले आओ जावेद भाई। फाइनली तीनों गाड़ियों ने एंटर कर लिया है, तो ये लोकेशन है। तो यहाँ में थोड़ा सा काम है, यही है प्रॉपर्टी। लोकेशन बताओ कैसी है, प्यारी है, पक्का बोली, क्या प्यारी लग रही है। Thank you.
यानी होटल पहुँच गया वापस। हमें मैक्सिमम 20 से 22 मिनट नहीं लगे, हमने सारा काम निपटा दिया जल्दी से, जो नापना था जो करना था वो सब कर गया। इसके कुछ लग गया पहला की शायद, ये रोड रोड में गई होगी कुछ, पीछे से मार दी होगी किसी ने गाड़ी वाड़ी। भाई की लवली भी पहुँच चुकी है, अभी हमारी लवली पीछे रह गई बिकॉज ऑफ कि उन्हें मचान से कुछ खाना लेना है, मतलब कि कुछ नॉन वेज लेना है, ऑर्डर है हमारे होटल में उनके लिए, इसलिए लेट हो गई है। इधर जावेद भाई का भी ब्लॉग शूट हो रहा है। चलें फिर, कल हम जा रहे हैं जावेद भाई के साथ 7 ताल की तरफ को, मेरे साथ में बैठेंगे फिरोज भाई और एक भाई होना पीछे से। चलें, ओके लेट्स। बहुत सुहाना हो रहा है, सूट ठंड बहुत अच्छी हो रही है, बारिश ना पड़े बस। है 7 ताल और हमें 1 मिनट लगेगा पहुंचने में, जो इसका एंट्रेंस गेट है मतलब जहाँ से बोटिंग्स होती हैं वहाँ पर, बोटिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो 1-2 मिनट में पहुँच रहे हैं। चलिए भाई आइए, अभी दूसरी गाड़ी नहीं पहुँची हमारी, कहाँ पहुँच गए। फ्यूरियस की जावेद भाई की लवली पहुँच चुकी है यहाँ पर, लाइए थोड़ा सा और लाइए अब, गुड गुड नाइस ड्राइविंग। बारिश शुरू हो चुकी है, बहरहाल फैमिली पहुँच गई यहाँ पर, इसी स्टेयर से हम उतरने वाले हैं। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा मेरा, सौरभ जोशी के साथ में था यहाँ पर, सौरभ और उसकी फैमिली आई हुई थी, तो मैंने उनके साथ में शूट किया था उस दिन, मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। चलो कोई नहीं, अभी घूमते हैं, पहले देखते हैं। बड़ा शानदार वेदर हो रहा भाई, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है बट बहुत ही ठंड लग रही है, मतलब काफ़ी ठंडा हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा कि आज की डेट में कहीं गर्मी हो भी रही होगी कि नहीं हो रही होगी। ओ भाई पानी कितना ज़्यादा भर गया इसके अंदर, एकदम ऊपर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से पूरा एकदम डबाडोल भर गया है। यहाँ कैकिंग कर रहे हैं, सामने से निकल रहे हैं बाहर, और मैं कल यहाँ ट्राई करूँगा, स्विमिंग हो रही होगी तो कल आऊँगा सुबह में। कैकिंग की बोट दिखाई दे रही है बहुत सारी, यहाँ से वहाँ तक का लगी हुई है, उधर को लगी हुई, उधर को लगी हुई, इधर ये वाली लगी हैं जो बत्तख शेप में है, एकदम ओल्ड मॉडल मतलब पुराना मॉडल लग गया, जो नया कैकिंग वाला है ये नई एक्टिविटीज़ थी इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही डाली है। बारिश ठीक ठाक से पड़नी शुरू हो गई है, उधर देखो बंदर मामा मजे कर रहे हैं पजामा, और लेक कुछ ऐसा लग रहा है। इस एक चीज़ मैंने नोट करी है भी, जितनी भी यहाँ पर को दुकानें बनी थी जो स्टॉल्स बने हुए थे वो सभी ख़त्म, तो ये कब हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं, याद नहीं, देखा ही नहीं हमने, तो मतलब ये क्या हो रहा है। वाह यार ये तो बड़ा ख़तरनाक हो गया, मतलब यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वो सारे गायब कर दिए, वहाँ उधर के बिल्कुल, वहाँ इतना अच्छा खाने पीने का हुआ करता था, सब गायब, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर तो। ओह माय गॉड ये तो टफ हो गया यार, जैसा गया बिल्कुल, एक भी स्टॉल नहीं है, एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, बड़ा टेस्टी खाना मिलता था यहाँ पर, तो ज़्यादा घूम नहीं पाई, इन्जॉय नहीं कर पाई बिकॉज यहाँ बारिश पड़ रही है और कपड़े गीले होने की वजह से मुझे लगता है बाहर ज़्यादा घूमे नहीं है। और देखो हमारी गाड़ी के ऊपर कौन साहब बैठे हैं, हाँ जी हट जाओ भैया, हेलो हट जाओ, मैं गाड़ी में बैठने, तो भाई इससे तो डर लग रहा भाई। हट जा भाई, नहीं हट रहा ये, मैं हट जाऊँ गाड़ी छोड़ देंगे इसीलिए ना ये तेज़ बहुत होते हैं ना बंदर, लंगूर तेज़ नहीं होता, बंदर बहुत तेज़ होता है और सीधे काटता है बंदर। तो अभी वापसी का गियर डालना पड़ेगा हमें, बारिश पड़ रही है, मज़ा नहीं आया यहाँ पर। चलो अब चलते हैं वापस, बैक गियर अप्लाई कर लिया है क्योंकि अब यहाँ घूमना नहीं है, बारिश पड़ रही है काफ़ी तेज़ तो मज़ा नहीं आएगा बारिश में। चलिए मैं तो अब सीधे होटल ही जाऊँगा और जावेद भाई एंड फैमिली वहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज अभी नैनीताल वापस घर पे जाना है, तो अब ये लोग यहीं से मतलब जो 7 ताल वाला चौराहा है जहाँ से टर्न करते हैं यहाँ के लिए वहीं से नैनीताल के लिए टर्न कर लेंगे, तो उनसे बाय बाय बोल दिया है। चलो चलते हैं सीधे होटल। क्या लहरें लग रही हैं गाइस, फ़ोन में आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन इतना शानदार लग रहा है ना भाई, जो रियल नज़ारा है ना इसका देखने लायक हो रहा है इस वक्त।
होटल पहुंच गए अभी, चार्जर लाना पड़ा साथ में बिकॉज बैटरी इसकी काम हो चुकी है, लेकिन लाइट भी चली गई, लाइट नहीं चल रही कोई भी। तो कपड़े चेंज करेंगे फिर जाना भी जिम, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड भी कर देते हैं अभी। चलो ब्लॉग पसंद आया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और बाकी तो आपको पता ही है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।